कुशीनगर के थाना तिरुपति के अंतर्गत ग्राम तेंदुआ में स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में मित्र मिलन समारोह हुआ। आपको बता दें, समझ में सभी मित्र गणों को शॉल देकर सम्मानित किया गया और निर्णय लिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को दुख परेशानी है तो सभी मिलकर उसका सहयोग करेंगे और किसी प्रकार के सुख दुख में शामिल होंगे। इस अवसर पर ब्रजराज सिंह निराकार आध्यात्मिक मिशन के अध्यक्ष तथा रंजीत कुशवाहा, दिनेश यादव, अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, दीवानी कस्या, देवेंद्र त्रिपाठी, बलवंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी दोस्तों को आजाद सिद्दीकी द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया, जो उस कार्य सराहनीय रहा। हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ा लेवल में करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय न रहते हुए कुछ दोस्त हमारे किसी काम में चले गए हैं, कुछ व्यस्तता है। अभी इसको जो है कुछ बाहर भी हैं, उन लोगों को भी हम लोग बुलाएंगे और जितना क्षमता हो सकेगा उतना हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सबके सुख दुख में हम लोग साथ भी रहेंगे। ये हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, हमारे दोनों मित्र भी हमारे और भी हैं लोग, उनको भी हम जो बाहर में भी मित्र हमारे हैं और इस चीज़ को सुनेंगे तो अगले 2025 में हम फिर इनका जो है भव्य रूप से मनाएंगे। और सबका सहयोग भी चाहिए, सब लोग आएंगे, अपने जो भी कथा है तो हमारे पास जितना हो सकेगा उनके साथ हम उतरेंगे खर्रा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय। माननीय आजाद भाई, हम लोगों के बीच में आज दोस्त मिलन समारोह का कार्यक्रम विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में ग्राम तेंदुआ में स्थित है। यहाँ प्रोग्राम आज आजाद भाई ने यह शपथ लिया है हम लोगों के बीच में कि जो बचपन से हम लोगों के साथ जो जीवन आज 28, 30 साल, 35 साल का उम्र जो बीता है, यह हम लोग जिस भी हिसाब से अपना जीवन जिए हैं, आज से यह सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के यह शपथ ले रहे हैं कि हम लोग सब लोग कंधा से कंधा मिला करके हर किसी के दुख सुख में समाज स्तर पर भी अगर हम लोग से साथ अगर किसी का लगाव है, अगर उसके भी परिवार में किसी भी प्रकार का अगर दुख तकलीफ है, किसी चीज़ का सहायता चाहता है, तो हम सब लोग मिलजुल करके उसका सहयोग करेंगे। यह कार्यक्रम आज दिनांक 5/3/2024 से आज इसका नींव डाला गया, आज इसका कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ से सभी को वो साल भेंट करके आज़ाद जी ने सबको आह्वान किया कि अगली साल इसी डेट को यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा, जो दूर दूर से लोगों को बुला करके इस संदेश को दिया जाएगा कि यह कार्यक्रम सभी लोग अपने अपने स्तर पर मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं कि जो सबको सुख प्राप्त हो। यह जीवन का लक्ष्य है इनका कि यह इसीलिए हम लोग मानव का जन्म भी पाए हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते चले जाएं। इस दुनिया में आए हैं तो एक नया इन्होंने सोच रखा है, इसको हम लोग सभी लोग मिल करके आगे को बढ़ाते चले जाएं। इसी शब्दों से मैं क्षमा चाहूँगा आप जी से।